हेलो फ्रेंड्स, मैं संगीता और आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ एक अनोखी सी मिठाई। अब जब मलाई से घी निकालते हैं ना, तो बस उसी घी को निकालने के बाद जो खुरचन बचती है शायद आप उसे फेंक देते हैं, पर मैं आज आपको उसी खुरचन से एक बहुत ही स्वादिष्ट सी मिठाई बनाने बताऊंगी। ये जितना देखने में सुंदर लगता है उतना खाने में भी स्वादिष्ट है। तो चलिए आज हम बनाते हैं खुरचन की स्वादिष्ट सी मिठाई। मसाला फ्राई पैन चैनल पे हमारे सारे व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो भी नए व्यूवर्स हैं या जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा दें और साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा करके ऑल कर दें। और हाँ, रेसिपी पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और कॉमेंट बॉक्स में बताएँ कि ये कैसी बनी है। तो चलिए इस मिठाई को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ले लें ढेर सारी फ्रेश मलाई। ये मलाई मैंने डीप फ्रीजर में 10-12 दिन जमा किए थे। ये बिल्कुल ही फ्रेश है। मलाई फ्रेश लेंगे तभी ये मिठाई का स्वाद अच्छा लगेगा, नहीं तो कड़वा लगेगा। तो मलाई बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए। आप डीप फ्रीजर में रखेंगे तो आपकी मलाई बिल्कुल ही फ्रेश रहेगी। अब इस मलाई को एक गर्म कढ़ाई में डाल देंगे और इसे पकने देंगे, क्योंकि इस मलाई से सबसे पहले हम घी निकालेंगे। तो ये मलाई गर्म होने के बाद आप देख रहे हैं कि पिघल गए। अब इसे लगातार चलाते हुए, जब तक कि ये घी ना छोड़ दे तब तक इसे चलाते रहेंगे और पकाते रहेंगे। इस मलाई को चिपकने नहीं देना है, क्योंकि मलाई फ्रेश रहेगी तभी हमारी मिठाई फ्रेश बनेगी। अगर पेंदी में जल जाएंगे तो ख़राब हो जाएंगे। तो इसीलिए इसे बराबर से चलाते रहना है और इसे पेंदी में नहीं चिपकने देना है। तो आप देख रहे हैं कि मलाई थिक हो गई है और इसने घी छोड़ दिया है। बस गरम गरम ही इस घी को किसी छन्नी के सहारे एक बॉल में निकाल लेंगे। छन्नी से छानने के बाद सारे घी को निकाल लें। आप देख रहे हैं कि कितना सारा घी निकल गया। करीब 1 किलो मलाई थी तो आधा किलो के लगभग घी हमारा निकल गया। घर के निकले हुए घी का स्वाद और खुशबू ही अलग होता है। मार्केट में तो मिलावट होती है तो घी उतना अच्छा नहीं लगता। तो घर में ही मलाई जमा करें और घी को निकाल लें। बिल्कुल ही फ्रेश, खुशबूदार और स्वादिष्ट घी। बस इस घी को निकालने के बाद इस खुरचन को भी इसी छन्नी में डाल दें और अच्छी तरह से इसके सारे घी को आप निकाल लें। जब सारे घी को अच्छी तरह से निचोड़ करके निकाल लेंगे, तब इस खुरचन को फिर से इसी कढ़ाई में डाल देंगे। वाव, क्या स्वादिष्ट घी निकला है। खुशबू से पूरा किचन महक उठा है। तो बस ये देख लीजिए कितना सारा घी आपका निकल गया, यानी कि मलाई के आधे आपका घी निकल जाता है। तो बस इस खुरचन को कढ़ाई में डाल दें और इसे थोड़ा सा और ब्राउन कर लें। तो थोड़ा सा और भुनने के बाद इसे थोड़ा सा और गोल्डन ब्राउन कर लेंगे तो अच्छे से पक जाएगा। तो इसे गोल्डन ब्राउन अच्छे से कर लें। तो गरम गरम कढ़ाई में हमारा ये खुरचन गोल्डन ब्राउन हो चुका। अब इसमें डाल दें आप 1 गिलास के करीब दूध। हाँ, तो बस दूध डाल दिया और इसे चलाते रहें। तब तक इसे चलाएं जब तक ये पक करके इसको कढ़ाई को छोड़ ना दे। तो मीडियम फ्लेम पे इसे चलाते हुए पका लेंगे। आप देख रहे हैं कि ये कितने थिक हो चुके हैं। बस थोड़ी देर और, ये देखिए ये अब पक चुके हैं। इसने कढ़ाई छोड़ना शुरू कर दिया है। इसे इतना ही पकाना है। अब इसमें स्वाद के अनुसार आप चीनी डाल दें। आपको जितना मीठा पसंद हो आप उतना चीनी डाल दें। मैं यहाँ छोटी कटोरी से आधी कटोरी चीनी इसमें डाल रही हूँ। तो इसे इसके साथ अब चला लेंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे अच्छी तरह से पकाएंगे। यकीन मानिए ये मिठाई बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। आप एक बार ट्राई ज़रूर करें। आप जब एक बार बनाएंगे ना, तो आप बार बार बनाएंगे। जब भी घी निकालेंगे तो आपका खुरचन बर्बाद भी नहीं होगा और ये प्यारी सी मिठाई बन जाएगी। आप इसे गोल शेप, बर्फी शेप, चौकोर शेप, आप किसी भी शेप में इसे बना लें और तैयार कर लें।
इसे कोई कह ही नहीं सकेगा कि ये खुरचन से बनी हुई मिठाई है। तो ये देखिए, ये हमारे तैयार हो चुके हैं। तो अब क्या करें, इसमें 3-4 इलायची को कूट करके पाउडर बना लें और उसे इसमें डाल दें। अब फ्लेम को कर दें बंद और इसे अच्छी तरह से मिला लें और इसे थोड़ा सा ठंडा होने दें। आप देख रहे हैं कि ये बहुत टाइट हो चुके हैं और कढ़ाई को भी छोड़ दिए हैं। बस ये तैयार हो चुके हैं। अब गर्मा गर्म ही इसे एक प्लेट में निकाल लें। प्लेट को पहले घी से ग्रीस कर दें, उसके बाद इसे निकालें, नहीं तो ये प्लेट पे चिपक जाएंगे। तो इसे प्लेट पर के निकाल करके इसे फटाफट से सेप दे देंगे, नहीं तो ठंडा होने के बाद ये जमने लगते हैं। बस इसे प्लेन कर दें ठोक पीट करके, ये एक टाइट बर्फी बनेगी। अब बर्फी आकार में मैं इसे काटूंगी, लेकिन पहले इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। तो इसीलिए इसे प्लेन कर दें और ठंडा होने के लिए रख दें। जब ये ठंडा हो जाए तो आप इसे सेप दे दें। तो मैं इसे बर्फी के शेप में काट रही हूँ। मैंने इसे अच्छी तरीके से काट लिया। तो जितने भी बर्फी फ्रेश निकले हैं उसे एक प्लेट में अलग कर दें, और जितने टूटे फूटे हैं तो उसे भी आप शेप दे सकते हैं। तो ये देखिए कितने फ्रेश और अच्छी बर्फी बन करके निकली है। तो छोटी छोटी बर्फी कितनी प्यारी लग रही है। तो इसे आप एक प्लेट में रख लें, और ये जो टूटे टूटे हैं इसे आप क्या करें कि इसे गोल गोल बॉल बना करके रख लें। तो ये आपके दो तरह की मिठाई बन गई, एक बर्फी डिजाइन और एक ये गोल डिजाइन। सभी देखेंगे और खाएंगे तो आपकी बहुत ही तारीफ करेंगे। तो आप मेरे इस तरीके से एक बार इसे ज़रूर बनाइए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबों को ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये कैसी बनी है। और हाँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हम जल्दी से वीडियो लाएंगे और आपके पास जल्द से जल्द नई रेसिपी का वीडियो पहुँच सकेगा। तो थैंक यू आपको पूरा वीडियो देखने के लिए। बस यूं ही अपना प्यार हमारे इस चैनल पे बनाए रखें। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड धन्यवाद।